नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 20 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हैरी मैसी पुरस्कार से किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज, इन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान में उनके योगदान के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर की द्विवार्षिक बैठक में सम्मानित किया गया है। 45वीं कॉस्पर वैज्ञानिक सभा 13 से 21 जुलाई 2024 तक बुसान दक्षिण कोरिया में आयोजित की जा रही है। तो 13 जुलाई से 21 जुलाई तक ये आयोजित किया गया है वैज्ञानिक सभा बुसान दक्षिण कोरिया में। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, इन्हें हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अनिल भारद्वाज को इस वैज्ञानिक सभा में विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया। तो हैरी मैसी पुरस्कार दिया गया है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को और विक्रम साराभाई पदक दिया गया है अनिल भारद्वाज को। इसरो के सहयोग से कोस्पर द्वारा स्थापित विक्रम साराभाई पदक अंतरिक्ष अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी विकासशील देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिक को दिया जाता है। कॉस्पर कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसकी स्थापना 1957 में सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक नामक कृत्रिम उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के बाद 1958 में की गई थी। कॉस्पर की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ परिषद द्वारा की गई थी, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद के नाम से जाना जाता है। कॉस्पर हर 2 साल में अपनी वैज्ञानिक सभा आयोजित करता है, जिसमें दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किसने किया? जो लोक संवर्धन पर्व है तो इसका उद्घाटन किया है किरण रिजिजू ने। तो किरण रिजिजू ने लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू, इन्होंने 18 जुलाई को नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया और यह आयोजन पूरे देश से समृद्ध भारतीय परंपरा के शिल्प उत्पादों, कला और संस्कृति को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जो यूरोपीय आयोग है तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? उर्सुला वान डेर लेयेन, ए ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य कब तक रखा है? इन्होंने कब तक इस लक्ष्य को रखा है? 2030 तक। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति, जो नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सख्त बनाना, इस शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में भारत के लिए मूल्य के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 2030 तक 500 बिलियन डॉलर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो IMF के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और फ्रांस के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है
सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव को भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। तो बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को T20 टीम का कप्तान बनाया गया है और शुभमन गिल को वनडे और T20 टीम का उप कप्तान बनाया गया है। दोस्तों ये हो गए आज 20 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।